अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको डिंपल कपाड़िया की लाइफ से जुड़े कुछ राज पता है? नहीं ना, तो हम आपको बताते हैं डिंपल कपाड़िया के जीवन से जुड़े कुछ गहरे राज। शुरुआत करते हैं डिंपल के बचपन से। डिंपल का जन्म 8 जून 1957 को गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता चुन्नी लाल कपाड़िया एक बहुत बड़े व्यापारी थे। डिंपल अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। डिंपल की 2 छोटी बहनें और एक भाई भी है। बहन सिंपल कपाड़िया एक एक्ट्रेस है, रीमा और भाई मुन्ना है। डिंपल कपाड़िया ने फिल्मी दुनिया में 15 साल की उम्र में फिल्म बॉबी से कदम रख दिया था। इस फिल्म ने उन्हें फिल्मी दुनिया का स्टार बना दिया। डिंपल के पिता बहुत अमीर थे और वह अक्सर अपने आलिशान से घर समुद्र महल में अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पार्टियां देते थे। जब डिंपल 13 साल की थी तभी एक पार्टी में राज कपूर की नज़र डिंपल पर गई। राज कपूर की मूवी मेरा नाम जोकर जब पिट गई तो राजकुमार ने अपनी अगली फिल्म नए कलाकारों को साथ लेकर बनाने की सोची और अपनी फिल्म बॉबी से अपने बेटे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया को लॉन्च किया। फिल्म बॉबी 1973 में रिलीज हुई थी और फिल्म रिलीज होने के कुछ महीने पहले डिंपल की मुलाकात सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई और समुद्र किनारे ले जाकर राजेश खन्ना ने डिंपल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे और डिंपल बस 16 साल की थी। राजेश खन्ना डिंपल से 15 साल बड़े थे। डिंपल और राजेश की ये लव मैरिज सिर्फ 10 साल टिकी। इस शादी से इनकी 2 बेटियां हैं, रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना, जिनमें से ट्विंकल एक्ट्रेस हैं और ट्विंकल ने सुपरस्टार अक्षय कुमार से शादी की है। राजेश खन्ना से अलग होकर कुछ फ्लॉप फिल्में देने के बाद फिल्म सागर से एक बार फिर बॉबी की जोड़ी ने पर्दे पर धमाल मचा दिया। डिंपल ने अपने फिल्मी करियर में अब तक तकरीबन 75 फिल्मों में अभिनय किया है। बॉबी, रामलखन, सागर, दबंग, लेकिन अजूबा, नरसिम्हा, गर्दिश अल्लाह रखा, इंसानियत, 20 साल बाद, साजिश, इंसाफ, रुदाली, क्रांतिवीर, फाइंडिंग फैनी, पटियाला हाउस, लक बाय चांस, ये डिंपल की कुछ मेन फिल्में हैं। डिंपल कपाड़िया के कुछ अनसुनी किस्सों की बात की जाए तो हम आपको बताते हैं कि उनके बारे में क्या क्या अनसुनी बातें हैं। डिंपल ने 15 साल की उम्र में ही फिल्मों में नाम कमा लिया था। डिंपल ने अपने से 15 साल बड़े राजेश खन्ना से शादी की। फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और डिंपल के अफेयर की खबर सामने आई थी। डिंपल को बॉलीवुड इतिहास की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक माना जाता है। एक मशहूर पत्रिका ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया था। जाबाज के लिए उन्हें एक इंटीमेट सीन अनिल कपूर के साथ करना था। अनिल कपूर के शरीर पर ढेर सारे बाल देखकर डिंपल ने कहा कि इन्हें नाई के पास ले जाओ। 1993 में आए रुदाली के लिए डिंपल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। डिंपल के बारे में एक और चीज़ है कि डिंपल मोमबत्ती डिज़ाइन करती हैं और उनकी डिज़ाइन की गई मोमबत्तियाँ बेहद ही महंगे दामों में बिकती हैं। डिंपल और सनी देओल के अफेयर की खबर भी बहुत सुर्खियों में आई थी, हालांकि दोनों ने अपने इस रिश्ते को लेकर कभी हामी नहीं भरी। डिंपल राजेश को प्यार से काका बुलाती थी और राजेश डिंपल को डिम्पी कहकर पुकारते थे। डिंपल ने सागर, जाबाज, जख्मी औरत जैसी फिल्मों में बोल्ड सीन किए जो उस दौर में बड़ी बात मानी जाती थी और इसके बाद डिंपल एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में जानी जाने लगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।